नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, LBS न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। शाहकोट में नहीं चला सैट कार्ड, आपकी जमानत हुई जब्त, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब की शाहकोट सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने आखिरकार दो तिहाई बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल को बड़े अंतर से हराते हुए सीट अपने नाम की। वहीं तीसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। गौरतलब है कि अकाली दल के विधायक अजीत सिंह कोहाड़ के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। पंजाब में फाइनेंस कंपनियों पर लगा लगाम, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर मोटा चूना लगाने वाली फाइनेंस कंपनियों का असरदार इलाज करने का इंतजाम कर दिया है। सरकार ने अब ऐसे अपराधों को गैर जमानती अपराध करार देते हुए 10 साल की सजा और प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान किया है। इस नए कानून को मंजूरी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई। पंजाब मेल में काशी सहित कई ट्रेनें रद्द, यात्री हुए परेशान, देखिए। पंजाब मेल, जनता एक्सप्रेस, इंटरसिटी, अर्चना एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें गुरुवार को रद्द होने से सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनें रद्द होने से छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाने वालों में काफी नाराजगी रही। इसे लेकर चारबाग स्टेशन पर यात्रियों ने हंगामा भी किया। वहीं दो दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों लेट होने से भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अकाली दल के गढ़ में कांग्रेस को मिली जीत, देखेंगे रिपोर्ट। पंजाब के उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के गढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। शाहकोट विधानसभा सीट को अकाली दल का गढ़ माना जाता है। यहां सुबह से ही कांग्रेस को बढ़त मिली थी। कांग्रेस के हरदेव सिंह लाड़ी ने यहां अकाली दल के नायब सिंह कोहर को 38,802 वोटों से हराया है। दसवीं में पलवल के सरकारी स्कूल के सभी बच्चे फेल, शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद से सटे पलवल जिले में एक सरकारी स्कूल के सभी 51 छात्र हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। इसके चलते शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। पलवल की जिला शिक्षा अधिकारी सुमन नैन ने गुरुवार को बताया कि पलवल में ढिगोत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी 51 छात्र हरियाणा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में असफल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग ने पलवल के उपायुक्त को पत्र लिखकर नियमानुसार शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, हरियाणा को 1,133 क्यूसेक पानी आपूर्ति बाहर रखने के निर्देश, देखेंगे। हरियाणा व दिल्ली के बीच पानी आपूर्ति को लेकर चल रहे विवाद पर अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली जल बोर्ड को फिर झटका लगा है। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा है कि वह 1,133 क्यूसेक पानी पर अपनी दावेदारी छोड़ दे, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि हरियाणा को दिल्ली में 1,133 क्यूसेक पानी आपूर्ति बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसमें दिल्ली की हिस्सेदारी से अतिरिक्त पानी भी शामिल है। हरियाणा अतिरिक्त पानी आपूर्ति के लिए तैयार भी है, पर उसने दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष NGT में दायर सभी मुकदमे वापस लेने की शर्त रखी है। हरियाणा में ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले टू व्हीलर्स के खिलाफ चलेगा अभियान, देखेंगे।
हरियाणा में ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले टू व्हीलर्स के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नेशनल हाईवे पर खास नजर रहेगी और ओवर स्पीड और बिना हेलमेट राइडर का चालान काटा जाएगा। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। अभियान को पूरे राज्य में चलाने के लिए प्रदेश भर में कुल 24 ट्रैफिक थाने खोले गए हैं। हिमाचल में बस खाई में गिरी, 7 लोगों की हुई मौत, 20 हुए घायल, देखिए। हिमाचल प्रदेश में फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। शिमला से 40 किलोमीटर दूर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पुष्टि पुलिस ने की है। बस हाईवे से लगभग 600 से 7 मीटर नीचे खाई में गिरी है और बस के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसा ठेयो घाटकोटी हाईवे पर छैला के पास हुआ है। यहाँ HRTC की बस खाई में गिर गई। घायलों में एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बस में 27 लोग सवार थे। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू सेवन में 24% की आई कमी, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू का सेवन 24.6% घटा है। यह दावा वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने किया। वर्ष 2016-17 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ग्लोबल स्तर पर ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे पार्ट 2 किया गया। ये सर्वे विश्व स्तर पर 15 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज संस्था ने मिलकर भारत में इस सर्वे को आयोजित किया था। इस सर्वे में यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश तंबाकू का सेवन कम करने में पूरे भारत में 8वें स्थान पर आया है। जंगल की बेकाबू आग में जिंदा जली बुजुर्ग महिला, अब तक 8 लोगों की हुई मौत, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग अब बेकाबू हो रही है। मंगलवार को डिप्टी रेंजर समेत 4 लोगों की मौत के बाद बुधवार को भी एक महिला की जान गई है। वहीं कई जगहों पर लोगों के झुलसने की भी खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल के विभिन्न जगहों पर आग से 8 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की वन संपदा भी राख हो गई है। वहीं चंबा में जंगल की आग की चपेट में आने से 133 साल पुराने चर्च के भी जलने की खबर है। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अजीत डोगरा के साथ। देखिए LBS न्यूज़, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।